अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज़ का टॉपिक। अच्छा है, सबसे पहले सीरीज़ की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि सीरीज़ क्या होती है। स्टूडेंट, सीरीज़ बेसिकली सीक्वेंस से ही बनती है। अगर लेट से आपके पास कोई सीक्वेंस है, अगर उस सीक्वेंस की टर्म्स को आपस में ऐड कर दिया जाए तो वो जो नई चीज़ बनेगी ना, वो बेसिकली आपके पास क्या होगी, सीरीज़ होगी। लेट से आपके पास एक सीक्वेंस है, उसकी टर्म्स हैं, तो अगर उस सीक्वेंस के टर्म्स में ऐड प्लस का साइन डाल दिया जाए तो वो जो नया आपके पास एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या होगी, सीरीज होगी। ठीक हो गया। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि सीरीज बेसिकली है क्या। द सम ऑफ एन इंडिकेटेड, द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। क्या लिखा स्टूडेंट, कि द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। के अगर किसी सीक्वेंस की इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक सीरीज बन जाएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, लेट से यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है एन स्क्वेयर। ठीक है, सीक्वेंस को इस तरह से लिखा जा सकता है। ये जो एन स्क्वेयर लिखा, ये उस सीक्वेंस की जनरल टर्म, उसकी क्या है, जनरल टर्म। तो अगर मैं जनरल टर्म इसकी लिखना चाहूँ तो ब्रैकेट के अलावा लिखूंगा, और जनरल टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, जनरल टर्म पर जब स्क्वेयर ब्रैकेट आता है ना, कर्ली ब्रैकेट आता है, तो उसका मतलब ये है कि वो सीक्वेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो उसको मैं क्या लिखूंगा, उसमें लिखूंगा एन स्क्वेयर। ठीक है, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है उसकी जनरल टर्म के बारे। मैं इसमें क्या करता हूँ कि एन की जगह मैं वन पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ए वन जो होगा आपके पास वो वन आ जाएगा। एन की जगह टू पुट करता हूँ, क्योंकि जनरल टर्म में बेसिकली सीक्वेंस की जनरल टर्म में हम नेचुरल नंबर पुट करते हैं। और ये हमने जब सीक्वेंस का पहला लेक्चर लिया था तो उसमें हमने कहा था कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। तो आप जो जनरल टर्म में, जो सीक्वेंस की जनरल टर्म होती है, वहां पर जो एन की वैल्यूज पुट करते हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो एन की जगह टू आ जाएगा, मैं यहाँ पुट करूँ तो टू का स्क्वेयर आपके पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। एन की जगह आप थ्री पुट करें तो ए थ्री आ जाएगा, एन की जगह थ्री तो 27 आ जाएगा, क्योंकि थ्री का स्क्वेयर क्या आ जाएगा आपके पास, नाइन आ जाएगा। उसके अलावा आप एन की जगह फोर पुट करें, जब आप एन की जगह फोर पुट करेंगे तो आपके पास ए फोर आ जाएगा 16। एन की जगह फाइव पुट करेंगे तो आपके पास ए फाइव आ जाएगा 25। ठीक है, अच्छा, एन की जगह आप सिक्स पुट करें तो आपके पास ए फाइव आ जाएगा 36। एंड लास्ट पे अगर आप एन की जगह सेवन पुट करें तो आपके पास सेवन टू जार क्या आ जाएगा, ए सेवन आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ये सीक्वेंस की टर्म्स निकाली, 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। मतलब मेरे पास एक सीक्वेंस थी जिसकी जनरल टर्म ये है, मैंने उस सीक्वेंस की पहली जो सेवन टर्म्स है वो निकाल ली, ए वन से लेकर ए सेवन तक जनरल टर्म्स निकाल ली। ठीक हो गया। तो अगर मैं इस सीक्वेंस की सीरीज लिखने चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, देन द सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस स्टूडेंट क्या है, एन स्केयर। तो उसकी जो टर्म्स हैं, जो अभी आपने फाइंड किए, कौन कौन सी थी, अभी आपने देखा टर्म आ रही थी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। अगर मैं इनके दरमियान में प्लस का साइन ऐड कर दूं तो ये अब जो चीज बनी नहीं है सारी के सारी, अब ये सीरीज बन गई। ये क्या बन गई है, ये सीरीज बन गई है। अच्छा, अब ये कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब सीक्वेंस की कितनी टर्म्स को आपने ऐड किया, सेवन टर्म को, देखे ना, ए वन से लेकर ए सेवन तक आपने टर्म्स को ऐड किया। ठीक है,
इसको ये भी कहा जाता है द, ये जो अबव सीरीज है ना, आप लिखोगे द अबव सीरीज, द अबव सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड, द अबव सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेवंथ पार्शियल सम. सेवंथ का मतलब क्यों है कि सेवन टर्म्स स्क्वायर के सेवंथ पार्शियल सम ऑफ, सेवंथ पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस एन स्क्वेयर. ठीक हो गया. मतलब ये जो ऊपर सीरीज आपको नजर आ रही है इसको कहा जा सकता है द सेवंथ पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस एन स्क्वेयर आ जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा, उसके अलावा हमने ये देखना है कि कोई सीरीज जो है वो फाइनाइट कब है और इनफाइनाइट कब है. ठीक हो गया. तो अगर किसी सीक्वेंस की टर्म्स जो होंगी, किसी सीरीज की टर्म्स जो होंगी, अगर वो फाइनाइट है तो हम कहेंगे कि वो सीरीज जो है वो फाइनाइट है. ठीक हो गया. और अगर उसकी टर्म्स जो है इनफाइनाइट है तो हम उस सीरीज को क्या कहेंगे, वो इनफाइनाइट है. क्लियर हो गया. जैसे अगर आप ये देखें ना, तो ये एक सीरीज है जिसमें आपके पास कितनी टर्म्स आ रही है, सेवन टर्म्स आ रही है. तो ये जो सीरीज लिखी हुई है ये आपके पास क्या आ गई है, फाइनाइट सीरीज आ गई. और अगर यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स होती तो हम उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं. अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी. अच्छा, नेक्स्ट हम लिखने लगे हैं कि सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक सीरीज. ठीक है. क्या मैंने कहा कि सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आपके पास अरिथमेटिक सीरीज हो, अरिथमेटिक सीरीज क्या होगी, ऐसी सीरीज जो अरिथमेटिक सीक्वेंस से जनरेट होती है उसको क्या कहेंगे, अरिथमेटिक सीरीज कहेंगे. सही होगा. अच्छा, अब मैं कहता हूं कि फॉर एनी अरिथमेटिक सीक्वेंस ए एन वी हैव, लेट से अगर मैं कहूं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अगर मैं वहां से सीरीज बनाना चाहूं तो आपको पता है अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म क्या होगी, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू सो ऑन, और क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा. अब कितनी टर्म्स है ये एन टर्म्स है, तो उसको मैं एस एन लिख सकता हूं. अभी आपको कहा कि जितनी टर्म्स होगी उतना पार्शियल सम, पार्शियल सम को एस एन से डिनोट किया. अगर जैसे यहां लिखा हुआ था ना सेवन टर्म्स थी, तो इसको एस सेवन लिखा जा सकता है. अगर यहां चूंकि अरिथमेटिक सीरीज के एन टर्म्स है तो उसको मैं एस एन लिखूंगा. ठीक हो गया. सो अगला लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह.